नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। मैं हूँ हरीश और आज मैं आपके लिए एक न्यूज लेकर के आया हूँ। इसमें व्यापम ने समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मेस्ट ग्रेड 2 इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें पद निकाले हैं। इसमें अगर आप 12th केवल बायो से पास हैं, 12th काय से पास हैं, बायो से पास हैं, तो आप इसमें कम से कम 250 पद ऐसे हैं जिसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 12th बायो से हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि आप यहाँ पर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले यहां पर आप बात करते हैं कि इसका जो आवेदन भरने की दिनांक है 10 तारीख से भरे जाएंगे अक्टूबर में, यानी आज है 2 तारीख, तो ये 10 तारीख से भरे जाएंगे। इसकी अंतिम डेट अगर कहें तो 24/10 है, यानी ये 24 तारीख तक भरे जाएंगे। इसके अलावा अगर इसकी परीक्षा की डेट की कहें तो 16-27 के बीच में दिसंबर में आयोजित की जाएगी। अब देखते हैं कि ये इसी टाइम पर आयोजित की जा रही है या नहीं, ये बाद में डिसाइड होगा। तो आइए अब देखते हैं इसकी और जानकारी। यहां पर दिया है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की, इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें दिया है कि ये 100 नंबर का जो है पेपर रहेगा। इसमें सबसे पहले पार्ट में आपका ये 25 अंक का है, यानी 25 नंबर का ये सब आएगा। इसके अलावा ट्रेड पर आधारित जो क्वेश्चन है वो 75 नंबर के आएंगे, तो वो अभी हम डिटेल में इसका सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। अब देखते हैं इसमें डिटेल्ड में क्या क्या इसका सिलेबस है, 25 नंबर में क्या आएगा और 75 नंबर में क्या आएगा। तो अगर इसके डिटेल्ड की बात करें कि देखो यहाँ पर सामान्य हिंदी, समान ज्ञान और समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, समान अभिरुचि और ये जो सारी चीज़ें मिला के आपका ये 25 नंबर पर आएंगी, 25 नंबर की ये चीज़ें आएंगी। इसके अलावा अगर बात करें ट्रेड पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो 75 नंबर के होंगे। तो फोकस करने की बात है ट्रेड पर आधारित प्रश्न की, कि अगर आप जिस ट्रेड से डाल रहे हैं, जैसे अगर आप बायो से डाल रहे हैं, ठीक है, अगर आप वायु से है तो आपको किस चीज पर फोकस करना है, तो आपको फोकस करना है ट्रेड पर। लैब अटेंडेंट की आपकी पोस्ट रहेंगी, इसके बाद लैब असिस्टेंट की पोस्टें रहेंगी, प्रयोगशाला सहायक की पोस्टें रहेंगी। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, इसके अलावा अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, इसके अलावा यहां पर केमिस्ट्री पढ़नी मतलब केमिस्ट्री ही पढ़नी है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे बॉटनी पढ़नी है तो ये इसमें आएगा। इसमें पूरा डिटेल्ड में दिया है, जियोलॉजी पढ़नी है, इसमें पूरा डिटेल्ड में इसका सिलेबस दिया है कि आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, एक एक टॉपिक को एक एक इसका सिलेबस प्रिंट आउट निकलाना पड़ेगा, इसके बाद आपको इसमें एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इसमें टेक्निकल यानी ट्रेड से संबंधित जो चीजें हैं वो ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आप नर्स से संबंधित डाल रहे हैं तो उसमें आप अलग चीजें, अगर आप डेंटल से संबंधित डाल रहे हैं तो उसमें दांत से संबंधित जो चीजें हैं वो पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें सिलेबस बकायदा दिया है हर चीज का। अगर आप इस टॉपिक में डाल रहे हैं तो यहाँ पर इससे संबंधित यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की डाल रहे हैं तो उसका अलग सिलेबस दिया है। तो ये अलग अलग चीज़ का अलग अलग पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपलोड भी कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप 12th वायो से बस हैं तो आप कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो और देख लेते हैं। यहाँ हम नीचे से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे से बहुत सारी पोस्टें हैं, आप इसको जो रूल बुक है वो यहाँ नीचे से स्क्रॉल करना, तो यहाँ पर नीचे से बहुत सारी चीज़ें से मिलेंगी। जैसे कि ये वाली बुक वैकेंसी है, यहाँ पर काय की वैकेंसी है, ये पोस्ट कोड 107 सीधी भर्ती है टेक्नीशियन असिस्टेंट की। इसमें 7 पद हैं, ऐसे छोटे छोटे पद हैं लेकिन मैंने सभी को जो काउंट किया तो 256 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th वायो से हैं। तो 4 पोस्ट यहाँ पर ये संविदा है, इसमें आपका जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 12th परीक्षा उत्तीर्ण हो, है ना। इसी प्रकार से ये यहां पर 17 पोस्ट यहां है, इसमें दिया है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में 12th में उत्तीर्ण हो, यानी वही चीजें हैं। इसके अलावा यहां पर और भी चीजें हैं, जैसे कि ये है, इसमें एक पोस्ट है, इसके अलावा यहां पर 5 पोस्ट है, सब में वही है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ अगर 12वीं उत्तीर्ण है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार यहां पर है 4 पोस्ट है, उसी प्रकार से आगे देखें यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट में 6 पद हैं जिसमें वही चीज़ मांगी गई है बायोलॉजी केमिस्ट्री, तो यहाँ पर ये परमानेंट पोस्ट है, तो कुछ परमानेंट है कुछ संविदा है। जब आप फॉर्म भरें
तो वहाँ पर सबसे पहले परमानेंट पोस्ट को पहले आप टिक कर लें। तो ये पोस्ट कोड है वो आप यहाँ पर नोट करते जाएं और इन कोड के हिसाब से आप सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दें, यानी जो परमानेंट पोस्ट हैं उनको पहले आप प्रेफरेंस दे दें, इसके बाद आप जो है संविदा वाली पोस्ट को प्रेफरेंस दें। ये प्रेफरेंस वाला जो मामला है ये बहुत ही सीरियस होता है, आप इसको ज़रूर सीरियस लें। अगर आपने पहले संविदा वाली टिक कर दी तो आपको पहले संविदा वाली जॉब मिलेगी। तो ये जब आप फॉर्म भरें तो इसमें सावधानी जरूर रखें। उसी प्रकार से यहाँ पर तीन पद और हैं, ये लैब अटेंडेंट के हैं, इसमें भी ग्रेड पे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ग्रेड पे आप देख ले कौन से ग्रेड पे ज़्यादा है उसको सबसे पहले टिक करें, क्योंकि यहाँ कई डिफरेंट टाइप के ग्रेड पे की वैकेंसी है लेकिन योग्यता एक ही है। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि इसको ज़रूर आप नोट करते जाएं। इसके अलावा यहाँ पर 26 पद हैं लैब अटेंडेंट के, देखो लैब अटेंडेंट की है यहाँ पर, जो इसका ग्रेड पे है यहाँ पर कम वाला ग्रेड पे है, वहाँ था 5200 से 20200 वाला, तो उसको आप पहले टिक कर लें। इसी प्रकार से यहाँ पर तीन पोस्ट हैं, इसमें देखो ये 5200 से 20200 ग्रेड पे है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस इस टाइप की पोस्टों को दो, मतलब ये वाला ग्रेड पे अगर आपको कहीं दिख रहा है तो सबसे पहले इनको ज़रूर टिक करें क्योंकि ये हाईएस्ट है इन सभी वैकेंसियों में। उसी प्रकार से और अगर देखें तो कुल चार पोस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये ग्रेड पे है, ये थोड़ा कम लेवल वाला ग्रेड पे है, 5200 से 20200 वाला नहीं है, तो इसको सेकेंड टाइम पे प्रेफरेंस दें, लेकिन ये परमानेंट पोस्ट हैं है ना। इसके अलावा संविदा वाली को सबसे लास्ट में आप प्रेफरेंस दें। तो ये बहुत सारी इसमें वैकेंसी है, मैंने सभी को काउंट किया, तो 256 जो पोस्ट हैं वो 12th में बायोलॉजी से ही हैं, तो आप उनको ज़रूर फॉर्म भर दें। अगर आप 12th बायोलॉजी से हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि कम से कम कुछ वैकेंसी तो हैं, तो इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से 28 पोस्ट है, यहाँ भी यही ग्रेड पे है, तो ये आप जरूर भर लें। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।